हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए एटम चैप्टर का, क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का एक नया वीडियो, एक नया न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का एक मेथड समझेंगे, एक पैटर्न समझेंगे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। बच्चों, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें पहले इस चैप्टर में बता दूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सवाल के ज़्यादा आने के संभावनाएं रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो बच्चों, जो सबसे ज़्यादा एक वो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा चांस रहता है क्वेश्चन के आने का, वो कुछ चीज़ें हैं। जैसे पहला, आपको एक बामर श्रेणी खूब अच्छे से आपको पढ़ना होगा, ये है, इसको हिंदी में कहते हैं बामर श्रेणी, ये खूब अच्छे से आपको समझनी होगी। जो बामर श्रेणी में प्राप्त तरंग की तरंग दैर्ध्य का फार्मूला होता है, बामर श्रेणी की तरंगों में तरंग दैर्ध्य का फार्मूला 1/λ = r, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम की, 1/λ = r, 1/2 का स्क्वायर - 1/n का स्क्वायर, ये है, जहाँ पे n शुरू होता है 2 से कोई भी बड़ी संख्या, 3, 4, 5, 6 ऐसे डाट 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 कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, क्या हमको समझना है, वो चीज़ पे ध्यान दे लेते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बामर श्रेणी की, या बामर श्रेणी उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन परमाणु का या परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संक्रमण के दौरान अपनी किसी भी अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय मूल निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब, मतलब हायर एनर्जी लेवल कुछ भी हो सकता है लेकिन जो उसका लोअर एनर्जी लेवल होगा वो दूसरा होगा। ये जैसे पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है, तो तीसरे से दूसरे में, ऐसे चौथे से दूसरे में, पांचवें से दूसरे, मतलब लोअर एनर्जी लेवल उसका दूसरा होगा, दूसरी कक्षा ही उसका लोअर एनर्जी लेवल होगा, और हायर एनर्जी लेवल 2 से बड़ी कोई भी कक्षा हो सकती है। ओके, तो जब भी उत्सर्जन संक्रमण में, हमको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, हायर एनर्जी से अगर लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो हमेशा अपनी एनर्जी को फोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में इमिट करता है, और जो एनर्जी निकलती है, चूँकि अगर वो वेव्स के फॉर्म में निकल रही है तो वेव में अब जितनी भी तरंगें निकलती हैं उनका एक अगर श्रेणी हम बनाते हैं, उन तरंगों का एक समूह देखते हैं, तो वो बामर श्रेणी, वो जो समूह मिलता है उसको हम लोग, या जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें कई श्रेणियाँ मिलती हैं, तो उसमें एक श्रेणी का नाम आता है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी वो होती है जिसमें हायर एनर्जी लेवल से दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, फिर एनर्जी निकलती है या वेव्स हमको मिलती हैं। ओके, तो ये बामर श्रेणी की बात हुई। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ हमको ध्यान देना, उस चीज़ को समझिए। देखिए, बामर श्रेणी में ऐसे पूछा जाता है कि बताइए, बामर श्रेणी में आप, जैसे कह दिया गया प्राप्त हाइड्रोजन की अल्फा तरंग की तरंग दैर्ध्य बताइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त बामर श्रेणी की बीटा तरंग, बीटा श्रेणी की तरंग दैर्ध्य बताइए, या एच गामा का मान बताइए। तो याद रखो, एच अल्फा का मतलब ये होता है, इस स्पेक्ट्रमी रेखा का मतलब ये है कि उत्सर्जन संक्रमण तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में हुआ है। जब परमाणु का उत्सर्जन संक्रमण तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में होगा तो जो तरंगे निकलती हैं उस तरंग की स्पेक्ट्रमी श्रेणी एच अल्फा कहलाती है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। उसी तरीके से जब चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण होता है तो उस स्थिति में जो जो श्रेणी, स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो प्राप्त होती है उसको एच बीटा कहते हैं। पांचवी से जो जाएगा उसको हम बोलेंगे एच गामा, छठवीं से जो जाएगा उसको बोलते हैं एच डेल्टा। तो ये ऐसे अलग अलग श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम इसमें एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, इन सब का क्या अर्थ है, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो अब लेते हैं हम लोग
एक नई श्रेणी जिसका नाम है लाइमन श्रेणी। अब लाइमन श्रेणी इससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों दो ये तीन टॉपिक है जो खूब अच्छे से इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है। श्रेणियों की बात करें तो जिससे ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो बन पूछा जाता है वो वही लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, इन्हीं दो श्रेणियों से ही ज़्यादातर पूछा जाता है, या कभी कभी ब्रैकेट श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब लाइमन श्रेणी क्या होती है? लाइमन श्रेणी में होता ये है कि जब बात की जाती है लाइमन श्रेणी की, तो याद रखिए लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम मूल निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इस श्रेणी में जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है वो होती है R(1:1)-1:n)2, और जहाँ पे n एक से बड़ी संख्या कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 5, 6 ये कोई भी नंबर हो सकती है। तो ये ऐसे ये श्रेणी हमको मिलती है, ओके। और एक चीज श्रेणियों में एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, जब भी हमसे पूछ लिया जाएगा कि सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य, किसका, सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो याद रखिए सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य का अर्थ होता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, ये है, ओके। और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य में हम लोग जब भी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो n इक्वल्स इन्फिनिटी रखेंगे। क्या रखेंगे? n इक्वल्स इन्फिनिटी। जब भी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की बात की जाएगी तो आप क्या रखोगे? n की वैल्यू कितनी? इन्फिनिटी, ओके। और जब सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की बात की जाएगी तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए आप हमेशा क्या रखेंगे? n की वैल्यू, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कही जाएगी, ये तो सबसे छोटी हो गई। अगर सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की बात की जाएगी तो n की वैल्यू हमेशा, जैसे पहली कक्षा है तो जब संक्रमण दूसरे से पहले में होगा तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य मिलेगी। मतलब जो यहाँ पे जो अंक रहेगा, लिखा रहेगा वेवलेंथ में, इसके जस्ट बाद वाली गिनती, मतलब दो से अगर पहले में, दूसरे से पहले में संक्रमण होता है तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य मिलेगी। वो हर श्रेणी के लिए, खाली लाइमन श्रेणी के लिए ये बात नहीं है, सभी श्रेणियों के लिए है, ओके। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि क्वेश्चन को हम लोग न्यूमेरिकल जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट बातों को हमको ध्यान देना है। बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपके इसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप देखोगे तो लगभग 80-85% इन्हीं लाइमन श्रेणी, वामर श्रेणी, इन्हीं श्रेणियों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको और भी कहीं से दिया जा सकता है, ओके। तो अब आते हैं सवाल पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाना है। लिखा हाइड्रोजन परमाणु की यनवी कक्षा, ये यनवी कक्षा है, यनवी कक्षा की ऊर्जा En = -13.6/n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से दी जाती है। ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त हुई ऊर्जा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, कहा दिया गया कि इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है, तो दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है तो nवीं कक्षा की ऊर्जा होती कितनी है? En = -13.6/n², ये है पहली कक्षा की ऊर्जा। अगर निकालेंगे तो En = -13.6/, पहली कक्षा का मतलब 1², तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो उस कक्षा की ऊर्जा E2 = -13.6/n के स्थान पे 2, 2², तो इसको अगर आप सरल करते हैं तो ये आपको मिलेगा, 2 के स्क्वायर से भाग कर देंगे तो 4, 4×3=12, 4×4=16, ये मिल जाएगा आपको माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो
तो ये दूसरी कक्षा का है। अब कह दिया गया कि द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने पर मुक्त ऊर्जा कितनी हुई, इसलिए मुक्त ऊर्जा डेल्टा ई, ये निकालते हमेशा लास्ट वाली कक्षा से, मतलब जहां से आ रहा है, इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा मुक्त करता है। तो डेल्टा ई बराबर ई टू कितना है, -3.4, और इसमें आप माइनस कर दो ई वन का मान -13.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब डेल्टा ई बराबर 3.4, ये माइनस में है, और +13.6। अब इसको अगर आप सरल करते हैं तो ये आपको मिलेगा डेल्टा ई बराबर 10.2 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन रेडिएट आउट करेगा, इतनी एनर्जी मुक्त होगी। ओके, तो अब आ जाइए, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते रहिए। लिखा है, इस संक्रमण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब इस संक्रमण में जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग निकालेंगे। अभी अगर देखें तो कौन सी श्रेणी है, तो श्रेणी में देखो, इसमें आपसे ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आता है। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किसी भी अन्य उच्च ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में होता है तो लाइमन श्रेणी बनती है। अब लाइमन श्रेणी बनती है तो लाइमन श्रेणी की तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो 1/λ = r, आर का मान 1.09, देखो 0.97 भी होता है और कुछ बुक में 1.09×10^7 इतना लिखा है, कुछ में 1.097, वैसे एक्चुअल में रिडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू 1.097×10^7 इतने पर मीटर ही होता है, यही वैल्यू होता है, बट ये भी लिख दिया जाता है। तो 1/1 -1/ दूसरी कक्षा से आ रहा है तो 2 का स्क्वायर। ओके, तो 1/λ = ये पूरी वैल्यू 1.099×10^7 इंटू, ये पूरा सरल कर लोगे तो 2×2 = 4, मतलब 3/4 इतना हो जाएगा। और जब यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो 4/3×1.099×10^7, और पूरा अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको मिलता है लगभग 1213 एंगस्ट्रॉम, इतनी इसकी तरंग दैर्ध्य मिलती है। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, परमाणु को आयनित करने के लिए ऊर्जा। अब हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु की बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा, और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं, मतलब इसको इतनी ऊर्जा दे दीजिए कि ये अनंत वाली कक्षा पे चला जाए, और अनंत वाली कक्षा की ऊर्जा होती कितनी, 0, इतनी ऊर्जा है। अब इसको कितनी ऊर्जा दे देंगे कि इतने इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो आंसर इसको दी गई ऊर्जा जिससे कि ये आयनित हो जाएगा परमाणु या इलेक्ट्रॉन अनंत वाली कक्षा में चला जाएगा, उस आयनन ऊर्जा का मान होगा बराबर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इतनी एनर्जी अगर प्लस में मिल जाएगी तब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों को EN बराबर ये है -13.6 बटे है N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर H अल्फा तथा H, यहाँ पे क्वेश्चन में लेट मी चेक
एच अल्फा और एच गामा, ये वाला एच गामा है, एच गामा के संक्रमणों को दिखाइए तथा इसकी तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा दी गई है, ऊर्जा स्तर आरेख आपको खींचना है, एच अल्फा एच गामा। तो अल्फा हमने बताया था ये कौन सी कक्षा होती है, एच अल्फा। तो आंसर है इसमें संक्रमण कहाँ से कहाँ पर होगा, तो आंसर है तीसरे से दूसरे में। फिर इसके बाद अब देखो एच अल्फा एच बीटा ये सब कौन सी श्रेणियों में प्राप्त होती है, बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी में एच अल्फा कब मिलता है, जब तीसरे से दूसरे में आए। और फिर इसके बाद गामा कब मिलता है, तो जब पांचवें से दूसरे में आए। ओके, तो इसका अगर ऊर्जा स्तर आरेख, पहले संक्रमणों का ऊर्जा स्तर आरेख ही खींच लेते हैं। ऊर्जा स्तर आरेख मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, ये एन बराबर पहली कक्षा है, फिर ये आ गई एन बराबर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं, ऐसे ही खींचते चले जाएंगे। एकदम लास्ट वाली जो कक्षा मिलेगी इसको हम लोग बोलते हैं आयनन वाली कक्षा, ये है, ये एकदम लास्ट वाली कक्षा है, ये अनंत वाली कक्षा कहलाती है। अनंत वाली कक्षा की ऊर्जा होती है जीरो, तो इसकी एनर्जी जीरो हो गई। एन बराबर टू, एन बराबर वन, ऐसे ही एन बराबर थ्री है, ये चौथी कक्षा, ये पांचवीं है, ये छठवीं, ऐसे है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है यहाँ पे, तो अब जब तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में होगा तो ये एच अल्फा कहलाएगा, जो श्रेणी हमको मिलेगी वो एच अल्फा कहलाएगी। फिर इसके बाद जब चौथे से दूसरे में होगा तो बीटा, और जब पांचवें से दूसरी कक्षा में होगा, ये पांचवी वाली कक्षा है, पांचवी वाली कक्षा से दूसरे कक्षा में जब संक्रमण होगा तब उस समय जो स्पेक्ट्रम की श्रेणी मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं बामर श्रेणी में एच गामा। तो एच अल्फा एच बीटा एच गामा एच डेल्टा ऐसे मिलता है। तो ये इसका ऊर्जा स्तर आरेख हुआ। तो ये क्वेश्चन का जो लिखा है एच अल्फा तथा एच गामा संक्रमणों को दर्शाइए ऊर्जा स्तर आरेख, तो ये उसका ऊर्जा स्तर आरेख हुआ। इतना सा भाग इस तरीके से खींचना है। और पूछ लिया गया इनकी तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कीजिए। तो वेवलेंथ हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एच अल्फा के लिए, तो देखते हैं फॉर एच अल्फा, एच अल्फा के लिए वन अपान लैम्डा इज इक्वल्स आर वन अपान टू का स्क्वायर, और अल्फा कब मिलता है, जब तीसरे से दूसरे में आता है। सरल कर लेंगे इसको, आर ये हो जाएगा दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, नौ माइनस चार पाँच, और बटे नौ चौक छत्तीस, इतना हो जाएगा। तो लैम्डा किसके बराबर मिल गया, छत्तीस बटे पाँच आर। तो लैम्डा इक्वल्स छत्तीस बटे पाँच गुड़े आर का मान 1.099 गुड़े 10^7। सरल कर लेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा बच्चों, इसको सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग ये 6548 एंगस्ट्रॉम, 6548 एंगस्ट्रॉम लगभग इतना मिलेगा। ओके, तो अब तो एक का हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं दूसरे वाली श्रेणी का, पर एच बीटा सॉरी एच गामा, एच गामा की बात हो रही है तो एच गामा ले लेते हैं। तो पर एच गामा का मान निकालोगे तो वही फार्मूला वन अपान लैम्डा इज इक्वल्स आर वन अपान टू का स्क्वायर माइनस वन अपान, अब पांचवी कक्षा से आ रहा है तो फाइव का स्क्वायर। ओके, तो अब सरल कर लेंगे तो ये मिलेगा वन अपान लैम्डा इक्वल्स आर, 25^100 माइनस 25 - 4 मतलब 21, तो ये हो जाएगा 21/25। तो लैम्डा इक्वल्स 25/21 आर,
तो ये हमको मिलेगा लैम्डा इक्वल्स 25 फिर बटे 21 गुड़े 1.099 गुड़े 10^7 और पूरा जब सरल करेंगे इसको तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लगभग 4327 एंगस्ट्रॉम, 4327 इतने एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा की ऊर्जा ये -13.6 बटे एन स्क्वायर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीज नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रदर्शित की जाती है। ज्ञात कीजिए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। तो अब इतना याद कर लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज आप इतना जान लो इतना होता है, इसको आप याद कर डालो, रट डालो। बामर श्रेणी की एच बीटा, ये बीटा लिखा है, आज हमारे ऑपरेटर महोदय नींद में काम किए हैं, दरअसल रात भर जगे थे इसलिए काफ़ी फॉल्ट हुई है, तो इसलिए इस पे आप ज़्यादा परेशान ना होंगे। हम क्वेश्चन को जहाँ भी कोई मिसप्रिंट है, कुछ इधर उधर है, तो उसको हम आपको बताते रहेंगे। वैसे ये एच बीटा लिखा गया है तो इसको मिटा करके लिख देते हैं एच बीटा, ये वाली लाइन और कर दें बड़ी, और एक ठे यहाँ से ये हो गया, गुड। आ जाइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या चीज दिया गया था, एक तो मिल गया हाई, फिर लिखा बामर श्रेणी की एच बीटा। एच बीटा कब मिलता है, तो एच बीटा के लिए हमको इक्वेशन पता है 1/λ = r, 1/2 का स्क्वायर और -1/ तीसरे से आएगा अल्फा और चौथे से आएगा तो क्या मिलेगा बीटा आर, और इसको जब सरल करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब 16 4 × 16 2 × 4 मतलब एलसीएम हो जाएगा 16 और 4 × 16 16 मतलब ये मिल जाएगा 3, तो 1/λ = 3r/16 तो ये हमको मिलेगा λ = 16/3r, तो ये हो जाएगा λ = 16/3 × 1.099 × 10⁻⁷ और जब आप इसको सरलीकरण करेंगे तो ये आपको मिलेगा लगभग 4853 इतने एंगस्ट्रॉम, ये इसका मान होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जल्दी से, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, गणना कीजिए हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य। अब याद रखो लाइमन श्रेणी की अधिकतम, अभी हमने बताया भी था अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के बारे में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अधिकतम तरंग दैर्ध्य की, तथा हीलियम आयन, ये हीलियम आयन है, हीलियम आयन यहाँ पे 4 नहीं यहाँ पे प्लस है। ओके, ये हीलियम आयन के n = 3 स्तर की उत्सर्जन की ऊर्जा और r की वैल्यू इतनी दी गई है। ओके, तो सबसे पहले लाइमन श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य, तो लाइमन श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य का फार्मूला 1/λ = r, लाइमन श्रेणी में 1/1 का इस पर अधिकतम तब मिलेगा जब दूसरे से पहले में आएगा, तो 1/λ = r, एलसीएम 2 × 4 ये हो गया 3, तो λ = 4/3r, तो λ = 4/3 × 1.1.097 × 10⁷, ये वैल्यू दी गई है। तो अब इसको सरल कर लेंगे तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा,
ये आता है लगभग 1215 एंगस्ट्रॉम, 1215 इतने एंगस्ट्रॉम ये इसका आंसर मिलता है इतना। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। अब आ जाते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सेकंड पार्ट में। लिखा है यन बराबर 3 अस्तर की उत्सर्जन की ऊर्जा। ओके, तो तीसरे वाले कक्षा के उत्सर्जन की ऊर्जा कितनी होगी या कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो पहले हम हीलियम परमाणु की बात हो रही है, हीलियम आयन की। तो देखो, किसी परमाणु की यनवी कक्षा की ऊर्जा का सूत्र होता है -13.6 × Z² / N² इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये हाइड्रोजन एटम होता है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, ये किसी भी परमाणु के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहली कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं E1। तो E1 का मान निकालोगे तो -13.6 × Z, तो जेड का मतलब 2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो 2² / 1² तो इसको आप सरल कर लोगे तो 4 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 से गुणा करने पे -54.4 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसी तरीके से तीसरे कक्षा से आ रहा है तो तीसरे कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे E3 बराबर -13.6 फिर गुड़े जेड का स्क्वायर मतलब 2² / तीसरी कक्षा यन का मान 3 तो 3² और जब इसको सरल करते हैं तो ये आता है -6.044 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी, इसलिए उत्सर्जित ऊर्जा इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा ई बराबर, अब दोनों ऊर्जाओं का अंतर -6.044 और फिर माइनस इसमें घटा दोगे ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 54.4 और पूरा सरल कर लेते हैं तो आता है लगभग 48.36 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही इसका आंसर है, मतलब इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, जिसको हम लोग एच अल्फा कहते हैं, ये एच अल्फा है, प्रथम रेखा एच अल्फा लाइन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए इस श्रेणी की सीमा की तरंग, सीमा का मतलब न्यूनतम और एच अल्फा का मतलब अधिकतम। तो अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले अधिकतम तरंग दैर्ध्य एच अल्फा की अगर बात करें तो 1/λ = R, 1/ बामर श्रेणी की बात हो रही तो 2² -1/α के लिए 3² तो ये सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5R/36 1/λ, तो λ = ये हो जाएगा 36/5 / R का मान 1.097 × 10⁻⁷, तो यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू कितना, तो ये मिलेगा, अभी इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व भी किए थे तो इसकी वैल्यू मिलती है लगभग 6563 एंगस्ट्रॉम। ये देखो यहाँ 1.099 लिखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू यही होती है तो हम लोग ज़्यादातर यही आपसे रखेंगे, बार बार कई वैल्यू याद करना भी ठीक नहीं है। ओके, तो ये तो पहला आंसर हो गया। फिर लिखा श्रेणी की सीमा रेखा, सीमा का मतलब जब सीमा की तरंग दैर्ध्य की बात कर दी जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, तो सीमा क्या है, सबसे छोटी क्या है, दोनों का मतलब एन बराबर इन्फिनिटी से संक्रमण हो रहा है। तो इसके लिए फार्मूला 1/λ = R 1/2² -1/∞² तो 1/λ = R 1/4 ये तो 0 हो जाएगा, अनंत से किसी भी संख्या में भाग कर देंगे 0, तो λ = 4/R तो ये हो जाएगा 4/1.097 ×
10 टू द पावर 7, तो लैम्डा की वैल्यू जब भाग करते हैं तो ये आता है लगभग 3646, इतने एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलते हैं बच्चों जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज ये क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या क्या कहा गया है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य इतना है, इस श्रेणी की दूसरी व सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा को एच अल्फा कहते हैं, मान लो इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा अल्फा है, तो 1/λ इज इक्वल्स आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और जब सरल करेंगे तो ये मिलेगा 1/λ इज इक्वल्स 5r/36 या लैम्डा अल्फा बराबर 36, या आ जाएगा 36/5r मिल जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर इसकी लिखाई श्रेणी की दूसरी व सीमा रेखा की तरंग, दूसरी का मतलब ये प्रथम का मतलब होता है एच अल्फा, दूसरी का मतलब होता है एच बीटा, तो एच बीटा की तरंग मान लो लैम्डा बीटा है, तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 16 4-1 3, मतलब 3r/16, या इसको सरल कर लेंगे तो लैम्डा बीटा बराबर 16/3r, इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो सीमा रेखा का मतलब अनंत वाली से संक्रमण हो रहा है, तो इसको एच इन्फिनिटी मान लेते हैं, या इसको लैम्डा मिनिमम भी बोल देते हैं, दोनों का मतलब वही है। तो लैम्डा मिनिमम बराबर इसको सरल करेंगे तो ये वाला टीधरा टर्म जीरो हो जाएगा, मिलेगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/4 आर का गुणा कर देंगे, फिर ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/r, ये मिल गया समीकरण नंबर 3। ओके, हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब समीकरण 2/1 करने पर ये है, समीकरण 2 का मान कितना है लैम्डा बीटा, समीकरण 1 का लेफ्ट साइड लैम्डा अल्फा बराबर लैम्डा बीटा कितना है 16/3r, और इसको बटे में कर देंगे तो उलट करके गुणा हो जाएगा 5r/36, तो ये हमको मिल जाएगा लैम्डा बीटा बराबर, यहाँ पे r से r कैंसिल होगा, 4 चौक 16 4 9 36 हो जाएगा, 9 5 45 9 3 27, तो ये मिल जाएगा हमको लगभग कितना मिलेगा 5 चौक 20 9 3 5 5 चौक 20, मतलब 20/27 और ये अल्फा का इधर गुणा कर दो, सॉरी लैम्डा अल्फा का, और लैम्डा अल्फा का मान हमको दिया गया है कितना है 6563 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा बीटा हमको मिल जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी सरल करते हैं तो ये मिलता है लगभग 4861 इतने एंगस्ट्रॉम, तो ये इसका आंसर होगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 3 को मतलब थर्ड को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो ये करने के बाद हमको मिलेगा, थर्ड में है लैम्डा मिनिमम बटे लैम्डा अल्फा बराबर 4/r इंटू, ये उलट करके गुणा हो जाएगा तो 5r/36, तो r से r कैंसिल हो गए, 4 × 4 4 9 36 5/9, इसका इधर गुणा कर दो तो लैम्डा मिनिमम बराबर 5/9, फिर गुणे लैम्डा अल्फा का मान दिया गया है 6563
63 एंगस्ट्रॉम, और इसको सरल करते हैं तो ये आता है लैम्डा मिनिमम बराबर, ये आता है लगभग 3646 एंगस्ट्रॉम, 3646 इतने एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एकदम सेम इसी तरीके का सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य दिया गया है, और बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। लेट मी कंफर्ट इन सिटिंग, थोड़ा सा पैर सही कर ले हम। ओके, नाउ आई एम रेडी। तो देखते हैं बच्चों बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य। अब द्वितीय रेखा का मतलब ये एच बीटा की बात हो रही है, तो एच बीटा ये हमको दिया गया है 4860 एंगस्ट्रॉम। याद कीजिए रिडबर्ग नियतांक, सबसे पहले एच बीटा को ही सरल कर लो, तो एच बीटा ना लिख करके इसको हम लैम्डा बीटा लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको क्या लिख दें, लैम्डा बीटा, द्वितीय कक्षा की बात हो रही है द्वितीय रेखा की, तो लैम्डा बीटा, तो ये हो जाएगा 1/λ β बराबर, 1/λ β बराबर r, और ये होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और इसको सरल कर लेंगे तो 1/λ β बराबर r इंटू, तो ये हो जाएगा 3/16 या λ β बराबर r 16/3 r। आर को इधर कर दो, लैम्डा बीटा इधर कर लो, तो आर बराबर 16/3 लैम्डा बीटा, और पूरा सरल करते हैं तो आर बराबर 16/3, लैम्डा बीटा का मान है 4860 एंगस्ट्रॉम है, तो गुणे 10^10। और जब पूरा सरल करते हैं तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है 1.097 इंटू 10^7 इतने पर मीटर, ये इतने पर मीटर, ये इसकी वैल्यू आती है। ओके, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को लेते हैं, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो प्रथम रेखा का मतलब लैम्डा अल्फा, ये अल्फा की बात हो रही है, तो एच अल्फा के लिए फार्मूला 1/λ α बराबर आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये तो हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो एकदम सरल चीज है 1/λ α बराबर, तो ये मिल जाएगा आर 1/4 माइनस 1/9, तो लैम्डा अल्फा बराबर ये हो जाएगा 36/5 r, तो 36/5 गुड़े 1.097 गुड़े 10^7, तो लैम्डा अल्फा कितना मिल जाएगा 6563 एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ये वाला टर्म बार बार देखिए रिपीट हो रहा है, इतने में तो याद हो जाना चाहिए। ओके, आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज है, इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एकदम, ये सवाल का मतलब वही है जो 8वां में अथवा दोनों का सवाल का अर्थ एक ही है। लिखा है हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, इस श्रेणी की सीमा की तरंग दैर्ध्य। अब देखो, प्रथम रेखा कहे या सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कहे, सीमा रेखा कहे या सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कहे, बात एक ही है।
तो हाइड्रोजन एटम की, तो एक वही आपको कैलकुलेशन करना है, पहले में आपको एच अल्फा का मान याद करना है। तो एच अल्फा के लिए जब आप सरल करोगे तो फार्मूला लगाएंगे 1/λ अल्फा बराबर आर, 1/2 का स्क्वायर - 1/3 का स्क्वायर। अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, तो यहाँ से लैम्डा अल्फा बराबर ये हमको मिलेगा 36/5 आर, आर की वैल्यू ये रख करके सरल करेंगे तो आ जाएगा 6563 एंगस्ट्रॉम। एक का आंसर ये मिल गया। ओके, फिर इसके बाद दूसरे में देखेंगे तो ये आ जाएगा, एक मिनट, जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये लाइमन श्रेणी की बात हो रही है। ओके, वो हम बामर श्रेणी के लिए लगाते थे, ये लाइमन श्रेणी की बात हो रही है। लाइमन श्रेणी के लिए भी मेथड वही है, घबराने की जरूरत नहीं है। 1/λ, मैं सबसे बड़ी रेखा की बात कर रहा हूँ, पहले प्रथम रेखा की इसकी बात कर रहा हूँ। तो 1/λ इक्वल्स आर, 1/1 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर, मतलब इसके बाद वाले से जब आएगा संक्रमण करेगा, इस वाले नंबर के बाद वाले से, मतलब एक है तो इसकी बड़ी संख्या, जब दो से पहले में आएगा तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 - 1 = 3, तो ये हो जाएगा 4/3 आर। तो 4/3 और आर की वैल्यू अगर रख देंगे 1.097 × 10⁻⁷ और पूरा सरल करेंगे तो यह आ जाएगा लगभग 1215 एंगस्ट्रॉम। तो पहले का आंसर ये हो गया। फिर इसके बाद लिखा है सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, सीमा रेखा का मतलब सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य। तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य को कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए फार्मूला 1/λ इक्वल्स आर, 1/1 का स्क्वायर - 1/∞ का स्क्वायर। तो 1/λ इक्वल्स आर, और ये तो एक हो गया, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स 1/r, और जब इसको सरल करेंगे तो ये आपको मिलेगा लगभग, पूरा सरल करते हैं, 1/r 1/1.097 × 10⁷ को सरल करते हैं तो ये आता है लगभग 914 एंगस्ट्रॉम, इसके आसपास इसकी वैल्यू मिलती है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सरल करेंगे, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली हो गई, मतलब सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य का सोल्यूशन इधर है और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य का सोल्यूशन ये इधर है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और वैसे इसमें है बच्चे टोटल 12 क्वेश्चन है, अभी हम लोग वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों, लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, हाइड्रोजन सदृश परमाणु के एक्स, हाइड्रोजन सदृश परमाणु एक्स की बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य के बराबर है। मतलब ये है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, अब लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये होता है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य अगर निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/λ बराबर आर, 1/1 का स्क्वायर - 1/2 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा 1/λ इक्वल्स आर, तो ये हो जाएगा 3/4, ये मिल गया। लेकिन ये देखो हम लोग एच एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हाइड्रोजन सदृश परमाणु यक्स की, तो परमाणु यक्स की बात करेंगे फॉर एक्स एटम जो कि हाइड्रोजन सदृश है, इसके लिए तरंग दैर्ध्य का फार्मूला, तो 1/λ इक्वल्स जेड स्क्वायर इंटू आर, 1/ अब बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, तो बामर श्रेणी में लोअर एनर्जी लेवल 2 का स्क्वायर माइनस द्वितीय रेखा का मतलब 4 का स्क्वायर। तो इसको सरल कर लेते हैं, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/λ इक्वल्स 1/λ इक्वल्स ये आ जाएगा
जेड स्क्वायर आर फिर इनटू, इसको पूरा सरल कर लेंगे तो ये मिलेगा 3/16 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के फर्स्ट और सेकंड के देखते हैं, दोनों के लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे, तो ये आ जाएगा 3r/4 इक्वल्स जेड स्क्वायर आर बाय 3/16। आर से आर मर गया, तीन से तीन मर गया, चार एकम चार, चार चौक 16, चार इधर चला आएगा, जेड स्क्वायर बराबर 4 या जेड बराबर 2, मतलब वो जो एटम यक्स है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, मतलब वो हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। अब लिखा है एक्स परमाणु की दो स्तरों की ऊर्जाओं की गणना कीजिए। दो स्तरों की ऊर्जा, अब देखो एनर्जी का फार्मूला किसी भी पर किसी भी जो है कक्षा के लिए, किसी भी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए जो ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है En = -13.6 × Z²/N² इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें लिखा है कि प्रथम दो स्तरों की ऊर्जा, तो पहले पहले वाले स्तर की ऊर्जा निकाले तो E₁ = -13.6 × Z², मतलब 2² 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा -54.4 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो फिर इसी तरीके से दूसरी कक्षा की ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे तो E₂ की वैल्यू आ जाएगी -13.6 × 2² यन का स्क्वायर, यन का मान कितना है तो यन की वैल्यू है 3, तो 3 सॉरी दो प्रथम दो स्तर की बात करें तो दूसरी वाली कक्षा का, तो 2² कर दीजिए ये इससे कट जाएगा, तो E₂ ये आपको मिल जाएगा कितना -13.6 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये E₁ का मान हो गया, ये E₂ की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद क्या कहा है, ये तो दो आंसर यहाँ पे मिल गए। फिर लिखा इस परमाणु का आयनन विभव ज्ञात कीजिए। ओके, तो परमाणु का आयनन विभव, देखो अब हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन सदिश परमाणु है हीलियम आयन जैसे, तो अब इसमें जैसे आयनन विभव का मतलब होता है किसी परमाणु का जो वह वोल्टेज इस पे लगा दो कि इसके ये वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकल करके अनंत वाली कक्षा में चला जाए और ये परमाणु आयनित हो जाए, तो वो जो वोल्टेज लगाएंगे उसको हम लोग आयनन विभव बोलेंगे। और आयनन विभव का फार्मूला जानते रहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल V=W/Q, और जो W होता है ये प्रथम कक्षा की ऊर्जा होती है, ये जो होती है प्रथम कक्षा की ऊर्जा ये होती है, तो ये हो जाएगा बराबर प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी है, और जो जो मान मिलता है ये देखो ये माइनस चिन्ह के साथ रहता है आयनन विभव में, यहाँ पे माइनस भी रहता है ये, तो ये माइनस माइनस पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाएगी इतनी, और ये मिल जाएगा कितना प्लस प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी है 54.4 और फिर बटे क्यू, क्यू का मान मतलब इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, तो ई लिख देंगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो वी की वैल्यू आ जाएगी +54.4 इतने वोल्ट ये वोल्ट है, तो इतना इसका आयनन विभव मिलेगा। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका था। आ जाइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जो अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ओके, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य इतना है, इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो ये अभी हम लोग क्वेश्चन जितने क्वेश्चन लगाए हैं सब एकदम सेम उसी तरीके से क्वेश्चन मिला है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ कि ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। क्या है होमवर्क,
अब करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सभी बच्चे अपने आंसर को कमेंट में लेकर के आएंगे, बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे कि सर जी हमारा आंसर कितना आया, सही है कि नहीं। तो जितना जिसका आंसर आएगा वो आकर के कमेंट में हमको बताएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। मतलब उत्तेजित मतलब यनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है और जहां पे उसकी एनर्जी इतनी है। यनवी कक्षा में किसी परमाणु की, अब हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु की यनवी कक्षा में ऊर्जा का फार्मूला -13.6 अपान एन स्क्वायर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3.4 है। ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ गया, इसको इससे काटोगे तो 4 आएगा, इसका इधर गुणा कर दो तो एन स्क्वायर बराबर 4, तो n बराबर कितना आ गया 2, मतलब दूसरी कक्षा में गया है, पहले से दूसरी कक्षा में। अब इसमें लिखा है कि इसकी सातवीं नहीं, ये इसकी दूसरी कक्षा में कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूं। तो इसका, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, दिया है ये यनवी कक्षा है, ये सातवी नहीं है, ये यनवी कक्षा, यनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है -13.6 बट्टे एन स्क्वायर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच की वैल्यू इतनी होती है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अब कोणीय संवेग, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो बच्चों कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, तो ये जानते रहो, कोणीय संवेग बराबर होता है एन एच अपान 2π। कोणीय संवेग एच अपान 2π के पूर्ण गुणज होता है, तो एन का मान है 2, एच का 6.6×10^-34 और फिर बटे 2×π का मान 3.14, ये इससे मर गया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर, पूरा सरल करेंगे तो 2.101×10^-34 इतने जूल सेकंड्स, ये इसका आंसर आएगा। ओके, तो अब पहुँचते हैं इस वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन पे। बच्चों वीडियो इस वाला सेक्शन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है, काफ़ी सरल भी है, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे, तो आप खूब अच्छे से इसको समझेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, लिखा एक अल्फा कण, ये एक अल्फा कण है, एक अल्फा कण वी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर किसी नाभिक से टकराता है, यदि नाभिक की परमाणु संख्या 2 हो तो सिद्ध कीजिए अल्फा कण, ये अल्फा कण है, इसको नीचे लिख दें, अल्फा कण की नाभिक से निकटतम पहुंच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है इसको डी नाट से दिखाते हैं या आर नाट से दिखाते हैं, इस डिस्टेंस को आर नाट से दिखाते हैं, स्मॉल आर है, स्मॉल आर से इतने 14.4 बटे वी, 14.4 जेड बटे वी, एंगस्ट्रॉम बटे वी इतना है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि आर नाट की वैल्यू 14.4 जेड बटे वी इतने एंगस्ट्रॉम होगा, ये आपको प्रूव करना है। ओके, जो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन में फॉल्ट हैं वो हमारे ऑपरेटर की मिस्टेक है, तो आई होप आगे ऐसा नहीं होगा, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा और बता दूंगा उनको कि वो अपना सही से क्वेश्चन वगैरह सब सेट करें। ओके, अब लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों जब अल्फा कण, मान लीजिए कोई एक अल्फा कण है,
ये इधर चलता है विथ काइनेटिक एनर्जी की, इधर जब किसी वेग से चलता है, और एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो परमाणु क्रमांक है या इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जेड है, इसके जब समीप पहुँचता है तो प्लस प्लस में रिपल्सन होता है। जैसे जैसे इसके नज़दीक ये आता जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। ये मान लो पहुँचते पहुँचते एकदम क्लोज यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये वाली जो डिस्टेंस है ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है इसकी, सपोज आर नॉट है। तो जब यहाँ तक पहुँचा है तो ये एक सिस्टम बन गया दो चार्ज पार्टिकल का, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और यहाँ पे जेड। तो दोनों के बीच का जो अब नाभिक पे कितना चार्ज होता है, जेड इंटू ई के बराबर। तो ये जो सिस्टम बना चार्ज का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई इंटू अल्फा, अल्फा पर कितना चार्ज होता है 2e के बराबर अपान आर नॉट। तो आर नॉट को इधर कर लीजिए, आर नॉट इक्वल्स इसका 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 2 जेड ई स्क्वायर अपान यू। अब बच्चों जो ये काइनेटिक एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी में बदलती है, इसलिए यू और के दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं अपान के। ये देखो फार्मूला भी है, नाभिक के निकट अल्फा कण के पहुंचने की सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब नाभिक के एकदम निकटतम की दूरी है ये है। अब इसी को हमको बस केवल सरल करते चले जाना है। देखो जो गतिज ऊर्जा होती है या एनर्जी जो होती है वह क्यू इंटू वी के बराबर होती है, तो के बराबर क्यू इंटू वी, ये फार्मूला हमको मिलता है ना, यहाँ से डब्लू बराबर क्यू इंटू वी से, क्योंकि जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो के इंटू क्यू वी। अब जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है वो अल्फा पार्टिकल है, तो 2e इंटू वी, ये हो गया के का मान। सबकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर नॉट बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, इंटू 2 जेड इंटू ई का स्क्वायर डिवाइड बाई के का मान किसके बराबर 2ev। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, e से 1 ठे स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अब 2ev में अब देखो वैल्यू आप पुट अप कर लीजिए, e का मान r नॉट बराबर देखिए ये हो जाएगा 9 × 10^9, फिर गुड़े जेड गुड़े ई का मान 1.6 × 10^-19, और फिर बटे में वी। और जब आप इसको सरल करते हैं तो ये आता है आर नॉट बराबर 16/9 144। तो ये आपको मिलेगा जब सरल करते हैं तो 2 9 6 54, फिर 9 1 9 5 14, हाँ 144, मतलब ये मिलेगा 14.4, और फिर 10^+9 ये घट जाएगा, तो × 10^-10, मतलब × 10^-10, और बचा है जेड, और फिर बटे में वी, मतलब ये एट लास्ट मिल गया आर नॉट बराबर 14.4, फिर जेड बचा है, और फिर बटे वी, और 10^-10 बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, तो इतने एंगस्ट्रॉम ये आर नॉट होगा। और यही हमको प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक के अल्फा कण के निकटतम पहुँच अल्फा कण के नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी इतनी होगी, इतनी होती है 14.4 जेड बटे वी, तो 14.4 जेड बटे वी इतने एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए,
हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के न्यूमेरिकल सेट के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।